घर का सारा सामान चाया नबी पाक की बारगाह पेश कर छोड़िया। मेरे नबी ऐलान फरमाया कौन है तुहाडे चो जिहड़ा दीन की खिदमत करे? सैयदना उस्मान इब्ने अफ्फान। जनाना मजमा मेरी तकदीर सुन नहीं सकता, मर्द बैठे हो तो मर्दा तरह सुभान अल्लाह की जाना है। हुण तो वैसे जड़ा वाले ट्राई हो गई है, इस तो अगे की हो सकता है। वेरी गुड, सुनो जी फिर मैं हदीस सुनावा फिर। अज्जे उस्मान पाक सुना तीन सोठ जिते ते सने समान, बस तुहाडी तवज्जो चाहिए। साईं ऐलान फिर फरमाया उस्मान पाक फिर खड़े हो 300 सोणिया होर किन्ने हो गए 600। मेरे नबी फिर दुआवां दित्तियां, उस्मान पाक फिर बैठ गए। ऐलान तीसरी मर्तबा फिर होया, उस्मान फिर खड़े हो गए, सोनिया 308 और सने सामान। अच्छा हुण हज़रत उस्मान गनी जिहड़ी अगली गल कीती, क्या अगे भी सुनी उसी तुसी
लेकिन अगली गल इतनी डाढ़ी अर्ज की आसला 900 फुट सने सामा ते जिहड़े 40,000 गुलाम तुहाडे नाल चले ने उहनां दे बच्चियां दा कपड़े राशन खाना भी मैं उस्मान देंगा ते चा घर गए ते 60,000 दिनार चाहे ते मेरे नबी दे रख दिते बार गए मेरे नबी हजरत उस्मान गनी दे दिनार चुक के आंदे ने अल्लाह कल क़यामत दा दिन होएगा बल्कि हदीस है मेरे नबी दी अखां चांसू सन और रो के मेरे नबी आंदे सन अल्लाह कल क़यामत दा दिन होएगा अगर तू चाहे ते मेरे अबू बकर दा हिसाब ले लई अगर हिसाब लेना चाहे ते मेरे उमर दा हिसाब ले लई अगर हिसाब लेना चाहे ते मेरे अली दा हिसाब ले लई अगर हिसाब लेना चाहे मेरे तल्ला चाबर जुबैर साहब सही दा हिसाब ले लई अल्लाह तेरा नबी मोहम्मद दुआ कर दे मेरे उस्मान नो बगैर हिसाब तो जन्नत इको मैंने पसंद ही नहीं जनाब इको बिल्कुल कटाओ मेहरबानी करो ए उस्मान गनी जिन्ना सब कुछ दे छोड़या तुसी एक हदीस ते चुप जे मैं दूसरी सुना सरकार फरमाते ने लोगों कयामत तक बेहया मेरे उस्मान दा हया कर नहीं सकता कोई बेहया मेरे उस्मान दा हया जदो भी यजमउल्ला उम्मतीन दा कबरी वयदखुलून अल्जन्ना मैं तुहानू अगे एक वारी हदीस सुनाई सी दोबारा सुना देना कयामत दा दिन होएगा कबर वाले कबर च बाहर निकलणगे हजूर फरमाते ने जिन्ने सच्चे होणगे अबू बकर पाक दे नाल होणगे पर मैं मेरी उम्मत दे जितने बंदे अल्लाह तो डरन वाले होणगे उमर पाक दे नाल होणगे जितने हया वाले होणगे उस्मान गनी दे नाल होणगे ते जिन्ने सखी होणगे मौला अली दे नाल होणगे अजे भी तई तुसी बोले उस्मान गनी किहदा नाम है जिदे पर मौला अली हैदर करार शेर खुदा असदुल्ला फारिक कुबातल हसनैन करीमैन तैयबैन ताहिरैन दे बाबा जान आप फरमांदे ने मैं नबी पाक को सुनिया सरकार दो रिवायतां एक रिवायत नबी पाक फरमाया अगर 40 बेटियां होंदियां एक दूजी फरमाया अगर मेरे को 100 बेटी भी होंदी मैं उस्मान दी एक बात करने का आज दे देंदा तुहानू इस हदीस दी समझ नहीं आई मैं होर सुना देना हजूर अपनी बेटी जनाबे रुकैया ने फरमाया मेरी धी हजरत अपनी शहजादी का जो निकाह किया ना हजरत उस्मान गनी नाल सरकार ने फरमाया मेरी बेटी मैं तेरा निकाह अपनी मर्जी नाल नहीं अल्लाह की मर्जी नाल उस्मान नाल कर रहा वा इस हदीस से भी तुहानू कोई नहीं समझ आई एक और सुना देना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया लोगो मेरा उस्मान आम नहीं है जिदे तो रब दे फरिश्ते भी हया करते ने उन्हें उस्मान गनी आते जिदा लकब फारूके आज़म है इको ना ये मस्जिद से बेच 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 लड़की का भी हो गया इको उपका बंद कर उपका बिल्कुल हल्की जी जड़ी बित्रती रवे ना जिदा लकब फारूके आज़म है हर बज़म देवच वीशाने मैनू तकरीर ही भुल गई मैं की करनी हाँ और दो मिनट में रह जिदा लकब फारूके आज़म है हर बज़्म दे विच वीशाने जै दीन तो घर कुर्बान किया उस मर्द दा नाम उस्मान असी हां होवदार शरीफां दे सिद्दीक दा पौ एहसान जिहड़ा नाम अली तो सरदा है साडी समझ दे विच बेईमान As-salātu was-salāmu alayhi wa sallam. Pudu, 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 salātu. Abaabe mahabbatu zi mahabbat jayme tushi durudu salam padhe ayme sunni padh de nahi ak hote main ik hadees paas suna deyan tajdar e kaun maqam fakhr mursalan sayyid e sarbara hadees sun ke samajh aaye te bolya je warna masla koi nahi arsh kiti mere nabi islam ne irshad farmaya sarkar farma sahaba jehda mera ummati duniya ch reh ke kasrat nal mahabbat nal mere te durudu salam padhega kal qiyamah wale din main mustafa khud ode nal musafa karanga
एक हदीस पाक में और सुना देना ताकि तमाम खलश खत्म हो जाए। नबी पाक फरमाए कितनी जल्दी ठंडा पानी आग नहीं बुझांदा, जितनी जल्दी दुरूद पढ़ने वाले दे अल्लाह गुनाह माफ फरमा देंदा। अजे भी चार पांच बंदे बैठे ने जेड़े आंदे ने असीं नहीं बोलना, मैं कदी सौ सुना देना। सरकार फरमांदे ने जेड़ा मेरा उम्मती दुनिया च रह के कसरत नाल मोहब्बत नाल मेरे ते दुरूद सलाम पड़ेगा, कल क्यामत वाले दिन जदों अपनी कब्र चो निकलेगा सब तो पहले मेरे नाल ही मुलाकात करेगा। जबरील हाथ तो पकड़ के खुद पुल सराब तो गुजारेगा। इस वास्ते तुम मोहब्बत नाल पढ़ो अस्सलाम अब आप मोहब्बत तुसी मरतबत समझने किराम आज दी बबरकत माफल मेरा करीम मालिक अपनी पाको पाकीज़ा बारगाह में कबूल हो मंजूर फरमाए। जितने अहबाबे मोहब्बत दूर नजदीक को तशरीफ लाए अल्लाह सब नु कदम कदम ते खैर और बरकत नसीब फरमाए। ज़ेबे मस्जिद सदारत बरादरे मुकर्रम इज्जत माफ खतीब अहले सुन्नत पासबान मस्जिद रज़ा हजरत क़िबला अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद असर अली नूरी साहब आप भी तशरीफ फरमाए। आप बड़े मेरे मुकद्दर दी मेराज उलमा दी सोबत नसीब हुई। पर सच्ची बात है मैनू नहीं पता सी कि कासिम साहब इत्थों दे मैं मतलब शायद मदद मुराद के एक दफा मोटरवे ते इन्हां नाल मेरी मुलाकात हुई सी इस्लामाबाद तो वापसी। खैर मैं हुणे भी गल सुना दिया एक देवबंदी भी कासिम साहब वो आसान कासिम गालिबन या कासिम साहब इन्हां नूं मैं वेख्या नहीं सी ते दादा साहब पैनात पढ़ पिछे मैं बैठा सी उस दे असीं पढ़ी जासी वो जदों ऐलान होया ना इन्हां दा ते इन्हां कसीदा बुलदा शी पढ़िया वो मैं चार पांच बंदिया नाल लिया मैं बंदा ही देवबंदी क्योंकि मेरी नजर च खैर इन्हें जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सनाखा दाता साहब की वो जो मैं सारी नात सुन ली मैं नाल देना बह जो ये बदअकीदा पढ़ नहीं सकता। सच्ची मेरा बड़ा दिल राजी होया। अजकल तो वैसे दो नंबर नात खां दो नंबर सारा सिस्टम चलिया पे बाकी सारे मामलात बाद नबी पाक दी नात दा के चेहरे ते जोर दी सुन्नत हो। जितने आबाब आसिफ साहब बड़ी खूबसूरत सना खानी किबला शाह जी तशरीफ लाए तारी साहब तशरीफ लाए मैं हर चेहरे का ना ला अल्लाह पाक हजरत किबला अल्लामा आपदी जामे दे खतीब बरादर मुकर्रम हजरत किबला अल्लामा अल्लाह साहबजादा मोहम्मद फसीहुद्दीन साहब अल्लाह पाक आपदी दीनी खिदमत कबूल फरमाए। और शम्मस भाई जितने अब आप अल्लाह कदम कदम दे खैर बरकत नसीब फरमाए। गुफ्तगू बिला तमीद शुरू मैं आप दे सामने कुरान मुकद्दस की एक पाको पाकीज़ा आयत तैयबा तिलावत करन दा शरफ हासिल कीता। मालिक फरमांदा है इन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम। बस जी इसे पसे मंजर है पूरा खिताब हो जाएगा। फरमाया कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अला नबीयना व आलि वसल्लम अल्लाह दे रसूल ने वल्लज़ीन मअहु ते जेड़े मेरे नबी दे ने नाल जेड़े मेरे नबी दे ने नाल वल्लज़ीन मअहु जेड़े मेरे नबी दे नाल ने अशिद्दाउ अलल कुफ्फार काफरां दी उहनां नाल नहीं बणदी जेड़े मेरे नबी दे नाल ने कुरान आंदा है काफरां दी उहनां नाल नहीं बणदी जेड़े मेरे नबी दे नाल ने कुरान आंदा है काफरां दी उहनां नाल नहीं बणदी जेड़े मेरे नबी दे नाल ने तुहानू लेट समझ आउणी है जे इहनां तां सुणिया तां उच्ची पे बोलदे ने इह कुरान प्यांदा आपदी गल ही नहीं मैं सच्ची बात बाना घर जाके तर्जमा पढ़ लेना वल्लज़ीन मअहु जेड़े ने मेरे नबी दे नाल अशिद्दाउ अलल कुफ्फार इहनां दी काफरां नाल नहीं बणदी इहदा मतलब है जेड़े नबी दे नाल ने उहनां दी काफरां नाल नहीं बणदी।
ਤੇ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲੋ ਚਲੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਕੱਲ ਵੀ ਇਵੇਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੇ ਇਹ ਚੱਲ ਪੈਗਾ ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ ਫੂਕਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸ਼ਮਸ ਸਾਹਿਬ ਦਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਚੱਲ ਪੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨਾ ਵੱਲਜ਼ੀਨਾ ਮਾਹੂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਅਸ਼ਿੱਦਾ ਵਲਲ ਕੁਫਾ ਕਾਫਰਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿੰਨਾਂ ਦੀ ਓਏ ਅੱਧੀ ਤਕਰੀਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫਰਾਂ ਨਾਲ ਬਦਰ ਵੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਫਰ ਚਲੋ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਹਬਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਫਰ ਖੰਦਕ ਵੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਹਬਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਫਰ ਯਮਾਮਾ ਵੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਹਬਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਫਰ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਫਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਹਬਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਕਰਾਬਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਮਾਇਅਤ ਹਾਸਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੁਣ ਤਰਜਮਾ ਔਰ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਾਹਬਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਆਸਾਨ ਔਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਾਤ ਸਹਿਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਕਾਫਰ ਵੀ ਨਬੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕਾਫਰ ਨਬੀ ਦੀ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਾਹਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਉਹ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਮੂਮਿਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਪਿਆਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਹਾਬੀ ਕਨ ਨਜੂਬ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਬਾ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਚਮਕਦੇ ਹੋਏ ਸਿਤਾਰੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1-2 ਵਜੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚੌਕ ਅੱਠ ਚੱਕ ਦੇ ਆਦੇ ਗਿਰਾਂ ਦੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕੀ ਜਾਵੇ ਓਏ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤਾ ਉਹ ਅਕਸਰ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੌਂਕਦੇ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਬੜਾ ਦਬਲ ਕੇ ਭੌਂਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਪਿੱਛੇ ਰੋਕ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾ ਆਏ ਕੀ ਗੱਲ ਕੁੱਤਾ ਕਿਉਂ ਭੌਂਕਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਓਏ ਮੈਂ ਕਹੇ ਕਿਉਂ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਭੌਂਕਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਸ਼ੋਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਅੱਜ ਤਾਰੇ ਚਮਕੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਚਮਕੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਭੌਂਕਦਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਚਮਕੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਚਮਕੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਭੌਂਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਹੱਥ ਲੈ ਬੰਨ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਉਹ ਤਾਰੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਭੌਂਕਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਭੌਂਕਾ ਨਾ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਕੌਣ ਕਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਚਮਕਦੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਮਕੀਏ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰੇ ਕੌਣ ਕਵੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸਹਾਬੀ ਕੰਨਜੋ ਫਬੀਅਕਹਿਮ ਇਸਤਦਈਤਮ ਇਸਤਦਈਤਮ ਮੇਰੇ ਸਹਾਬਾ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਚਮਕਦੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੌਂਕੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਤੇ ਤਕਰੀਰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਤਾਜਦਾਰੇ ਦੋ ਜਹਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਫੀ ਅਸਾਬੀ ਲਾ ਤਤਖਿਜ਼ੁ ਮਰਾਦਮ ਬਾਦੀ ਫਮਨ ਅਹੱਬਹੁਮ ਫਬੀ ਹੁਬੀ ਅਹੱਬਹੁਮ ਫਮਨ ਅਬਗਦਹੁਮ ਫਬੀ ਬੁਗਦੀ ਅਬਗਦਹੁਮ ਫਮਨ ਅਜ਼ਾਮ ਫਕਤ ਅਜ਼ਾਨੀ ਫਮਨ ਅਜ਼ਾਨੀ ਫਕਤ ਅਜ਼ਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਲੋਕੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਬਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਬਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਬਾ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਖੈਰ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜਿਹਨੇ ਸਾਹਬਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਹਬਾ ਨੂੰ ਅਸੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਲੋਕੋ ਸੁਣੋ ਜਿਹਨੇ ਸਾਹਬਾ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਮੁਸਤਫਾ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਕੁੱਤਾ ਵਾਸਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਖੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਹੋਰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਆਪਣੇ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ
ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਟਿੱਲੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ? ਮੈਂ ਕਹੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਬੀ ਵੀ ਆਵੇ, ਸੁੰਨੀ ਵੀ ਆਵੇ, ਸ਼ੀਆ ਵੀ ਆਵੇ, ਦਿਓਬੰਦੀ ਵੀ ਆਵੇ, ਉਤਲੇ ਬਟਨ ਲਿਆ ਕਰੋ ਖੋਲ ਆਪਣੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ, ਇੱਥੇ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਥਰਮਾਮੀਟਰ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੇਗਾ ਦਵਾਈ। ਉਹ ਜੇ ਸੁਣੀਆਂ ਦਾ ਮਜਮਾ ਹੋਵੇ, ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਮਜਮਾ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਦਾ, ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਲਓ ਮੇਰੇ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਚਿਹਰਾ ਖਿਲ ਜਾਏ, ਪਤਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਸੁਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਏ। ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਬੜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਰਾਹ ਚੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਕੇ ਮੁਸਤਫਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ਬੂ। ਮੇਰੇ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਆ ਗਏ, ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ 13 ਸਿਲਸਿਲਿਆਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਖਿਲਾਫਤ, ਨਾਲ ਦੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਾ ਦੂਰ ਰਸਤੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ 'ਚ ਜਨਾਬ 13 ਸਿਲਸਿਲਿਆਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਪਾਕ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੌਲਾਨਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਲਸਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉੱਚੀ ਸਵਾਲ ਅੱਲਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਵਸੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਪਿਆਂ ਦੱਸ, ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਪਾਕ ਕਿਤਨੀ ਬੁਲੰਦ ਪਾਇਆ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਮੁੜ ਆਪ ਦੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੈਤ ਕੀਤਾ, 13 ਸਿਲਸਿਲੇ ਖਿਲਾਫਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਰਫ ਖਿਲਾਫਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਮੈਂ, ਪੁੱਤਰ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ, ਨਫਸਾ ਨਫਸੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਏਗੀ, ਸਵਾ ਨੇਜੇ ਦਾ ਸੂਰਜ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਲਾ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸੈਯਦ ਹਾਂ, ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਲਾਲ ਹਾਂ, ਅਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਚਸ਼ਮੋ ਚਰਾਗ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਇੱਕ ਮੁਰੀਦ ਲਿਆਂਦਾ, ਨਾ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ। ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਮੁਰੀਦ ਨੂੰ ਪੀਰ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਪਰ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਉਹ ਮੁਰੀਦ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਰੀਦ ਦੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਹੈ। ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਲਿਆ, ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ ਜੀ ਮੈਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਰੇ ਮੁਸਾਫ, ਸਾਈਂ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਬਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ? ਫਰਮਾਇਆ ਫੈਨਮ ਰੱਬੁਲ ਇਸਲਾਮ ਕਮਾ ਯੁਰੱਬਲ ਫਰਖ ਵੀ ਬਕਰ ਹੀ, ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਬਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ? ਮੇਰੇ ਸਾਹਬਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਸਾਈਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਸ਼ਿਆਨੇ ਵਿੱਚ ਘੋਂਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿੰਦੇ ਆਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਬਾ ਨੇ ਇੰਝ ਇਸਲਾਮ ਪਾਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਘੋਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿੰਦਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਆਨਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਇੰਝ ਪਾਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਘੋਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿੰਦਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸਦਾ ਤੱਕ ਗੱਲ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਇੰਝ ਪਾਲਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਸ਼ਿਆਨੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿੰਦਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਅੱਪੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਮੇਰੇ ਬਾਪ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਪਾਲ, ਬਾਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਨੇ ਪਾਲਿਆ, ਪਾਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਅੱਪੇ ਨੂੰ ਭੌਂਕੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਕਮੀਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪਾਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਭੌਂਕਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਪਾਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਭੌਂਕਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਪਾਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਭੌਂਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਆਖਾਂਗਾ, ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਉਮਰ ਬਿਨ ਖੱਤਾਬ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਨੇ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਹਬਾਂ ਨੂੰ ਭੌਂਕੇ, ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ ਕਮੀਨਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਮੀਨਾ।
ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲੈ ਆਓ। ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਹਦੀਸ ਪੜਨ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ 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 ਉੱਚੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਤੀਸਰੀ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਅਮਾਜੇ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਲਿਆਓ ਜੀ। ਤੀਸਰੀ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਮੇਰੇ ਲੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉੱਚੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਖੋ ਨਾ ਯਾਰ ਉੱਚੀ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਵਾਵਾ ਅੱਲਾਹ ਚਾਹਿਆ ਦੇ ਚਾਰਾ ਬੇਸ ਆਣਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲਾ ਨਬੀਨਾ ਵਾਲੇ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾ ਇਨ ਅੱਲਾ ਅਖਤਾਰਨੀ ਵਖਤਾਰ ਅਲੀ ਅਸਾਫਨ ਫਜ ਅਲਲੀ ਮਿਨਹਮ ਫੁਜ਼ਰਾ ਅਨਸਾਰਨ ਵਸਾਰਨ ਫਮਨ ਸਬਹਮ ਫਅਲੈਹ ਲਾਨਤੁਲਾਹ ਵਲ ਮਲਾਇਕਤੇ ਵਲ ਨਾਸ ਅਜਮਾਈਨ। चलो चलो सरकार फरमाते हैं अल्लाह ने मेरे वास्ते मेरे साहबा नू चुनिया, अल्लाह ने मेरे वास्ते मेरे साहबा नू चुनिया, अल्लाह ने मेरे वास्ते मेरे साहबा नू, फिर एक बारी बोलो अल्लाह ने मेरे वास्ते मेरे साहबा नू। हुण जिन्हू अल्लाह चुने किसी चीज़ का इंतखाब अगर मैं करा तो मैनु घरों मेरी जनानी आखे भी नूरी साहब अज आदि टमाटर ले आया जे तो मैं मंडी जावा। चलो ये भी मिसाल दी तुहानू समझ नहीं आउंदी। मौलाना असगर नूरी साहब मेरे वड्डे भराए ने, मेरे उस्तादां दी जगह ते ने, मेरा इन्हां दा एक ऐसा रिश्ता क्या ही है। हैं हजरत साहब आखण नूरी साहब तुसीं इत्थे आए जे ते जहरी गल मेरे मेहमान जे ते मेरे पिंड च आए जे ते मैं तुहाडी खिदमत करना, ये लै जाण मैनू चंगी दुकान ते, ते जाके मिठाई की दुकान ते आखण नूरी साहब मैं मिठाई तुहाडे वास्ते चुकनी है, ये मेरे वास्ते ओही चुकणगे जिहड़ी गली होई जिहड़ी खराब हुई जिहड़ी दो नंबर हुई जिहदे च करोला होया, इहदा मतलब ये ओडी चंगी चुकणगे जिहड़े को आप चंगे ने। ये मेरे वास्ते किसी शह का इंतखाब करना होवे ते अल्लामा असगर नूरी साहब दुकानदार नूं आखणगे ध्यान करी बंदा मेरा है, ध्यान करी मैं तोहफा देना है, ओए कोई शह माड़ी ना आवे। ओए मौलाना असगर वास्ते, मौलाना असगर या आपदे आस्ते किसे चीज नूं चुनन ते चंगी होवे। मैं कहा अबू बकर आम नहीं अल्लाह ने चुने मेरे नबी आस्ते, उमर आम नहीं अल्लाह ने चुने मेरे नबी आस्ते, उस्मान आम नहीं अल्लाह ने चुने मेरे नबी वास्ते, तला आम नहीं अल्लाह ने चुने मेरे नबी आस्ते, जाबर आम नहीं अल्लाह ने चुने मेरे नबी वास्ते, सुबैर आम नहीं अल्लाह ने चुने मेरे नबी आस्ते, अबू रहरा आम नहीं अल्लाह ने चुने मेरे नबी आस्ते, अब्दुल रहमान बिन औफ आम नहीं अल्लाह ने चुने मेरे नबी आस्ते, सईद आम नहीं अल्लाह ने चुने मेरे नबी आस्ते, अबू सुफियान आम नहीं अल्लाह ने चुने मेरे नबी आस्ते, अमीरे मुआविया आम नहीं। खड़ा जिड्डी तो तकड़ा नारा लाओ, ओ नहीं एक 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 तरतीब ना नारा लाओ, नारा तकबीर तो शुरू करो ना, फिर मैं क्यों ना कहा अस्हाब मुहम्मद के हम चाहने वाले हैं, अस्हाब मुहम्मद के वेखो मौलवी नु अगे नहीं तुसी कदे वेख्या, अस्हाब मुहम्मद अबू बकर आम नहीं किन्ने चुने हैं, उची बोलो उची बोलो उची बोलो उची बोलो उची बोलो, किन्ने चुने हैं, उमर आम नहीं किन्ने चुने हैं, उस्मान आम नहीं किन्ने चुने हैं, ते जिन्हां नूं अल्लाह चुने उन्होंने पहुंकीदा नहीं। आखो ते मैं पंजवीं हदीस सुना दे, तुहानूं केड़े दाद बैठे जे, ओए शेर नहीं सुनी दी हदीस ही सुनी दी है, मौलवी दा काम नहीं, जाओ ठीक है मैं भी पढ़ना। पंजवीं हदीस सरकार की फरमाई इसा राई तुमुल लजीना यसुबूना असहाबी फकूलु लअनतुल्लाह अला शर्रकुम, फरमाया जदों को तुहाडे सामने मेरे अबू बकर नु पहुंचे, ए ना कह दे भी आज रोटी खाइए, ए ना कह दे भी आज दी मजलिस से चले जाइए, ए ना कह दे भी आज का दिन गुजार दें। मेरे नबी फरमाया इजा राई तुमुल लजीना यसुबूना अस
ਅਸਾਬੀ ਫਕੂਲ ਲਾਨਤੁਲਲਾ ਅਲਾ ਸ਼ਰਕਾ ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾਬਾ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਸ਼ਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਆਖੋ ਤੇ ਕਦੀ ਸੌਰ ਸੁਣਾ ਦਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਬੋਲਿਆ ਜੇ ਸੁਬਾਨ ਅੱਲਾ ਆਪ ਚਕਰ ਆਪ ਚਕਰ ਆਪ ਚਕਰ ਆਪ ਚਕਰ ਇਹ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਸੁਬਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਬਾਨ ਅੱਲਾ ਬੋਲੋ ਸੁਬਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਬਾਨ ਅੱਲਾ ਜਨਾਬ ਜਰਾ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸੁਬਾਨ ਅੱਲਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਈਏ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਵੱਲਜ਼ੀਨਾ ਮਾਹੂ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਵੱਲਜ਼ੀਨਾ ਮਾਹੂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਚਾਸਾ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਔਰ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫਰਾਂ ਨਾਲ पहली गल तू नमाज सीखी को जिन्हों आ याद तर्जमा किया अबू बकर बिच आ जाएगा अस्सलाम अलैकुम नबीओ वबरकातुहु ਜ਼ਹਰਾ ਪਾਕ ਹੈ ਨੇ ਲਿਆਜ਼ਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਮਦੀਨੇ ਵੀ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਥਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਵੀ ਨਾਲ ਉਮਰ ਵੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਦੀ ਆਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਮਿਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਦੇ 11 ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਸਾਹਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਹਬਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਔਲਾਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਆਓ ਕੌਣ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਅਤੀਕ ਅਥਰ ਅਸਦਕ ਸਾਦਕੀਨ ਸੈਯਦੁਲ ਮੁਤਕੀਨ ਅਮੀਰੁਲ ਮੁਮਿਨਿਨ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਮੁਸਤਫਾ ਖਲੀਫਤੁਲ ਮੁਸਲਮੀਨ ਖਲੀਫਾ ਅਵਲ ਖਲੀਫਾ ਬਿਲਾ ਫਸ ਯਾਰ ਗਾਰ ਮੁਸਤਫਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਸ਼ਨਾਸਾ ਨਬੂਵਤ ਅਸਦਕ ਸਾਦਕੀਨ ਸੈਯਦੁਲ ਮੁਤਕੀਨ ਅਮੀਰੁਲ ਮੁਮਿਨਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਅਤੀਕ ਅਥਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਯਾਰ ਇਮਾਮ ਸਾਹਬਾ ਵਾਲੇ ਬੈਤ ਕੌਣ ਅਬੂ ਬਕਰ ਜਿਹਦੇ ਪਾਸੇ ਅਲੀ ਵੀ ਆਦੇ ਸਨ ਪਿੱਛੇ ਇਮਾਮ ਸਾਹਬ ਦੇ ਕੌਣ ਸੈਯਦਨਾ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਵੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਓਏ ਕੌਣ ਜਿੱਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਉਹ ਵੇਖ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਯਾਰ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਮਸਜਿਦ ਸੁਨੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਨੀ ਜਦ ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਉਹ ਖਤੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਲਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਸਵਾਦ ਆਵੇ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜੇ ਅਲਾਮਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਸ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਮੌਲਵੀ ਚੱਲ ਦੇ ਵੀ ਆਓ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਓ ਥੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਸੁਣਨੀ ਥੱਲਿਆ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਮੌਲਾਨਾ ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ ਜੀ ਇਸ ਮਸੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਣਾ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੇ ਜੜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਝੂਠ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਪਿਛਾਂ ਹੋਏ ਪਿਛਾਂ ਪਿਛਾਂ ਹੋ ਬੰਦਿਆਂ ਕਹਿਣਾ ਚਵਲੇ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕਾਂ ਠੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੀ ਯਾਦ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਾ ਮੌਲਾਨਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਇਮਾਮ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਵਲ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਆਖੇ ਮੌਲਾਨਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੰਦੇ ਆਖਣਗੇ ਪਿਛਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਠੱਲਿਆ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਆ ਚਵਲੇ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਮੁਸੱਲਾ ਨਬੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ
उची बोलो कि बना जाएगा टल के नारा है तकबीर नारा है रिसालत नहीं डाल के हाथ चौक के नारा है रिसालत हाथ खोल के नारा है रिसालत नारा है तहकीक नारा है हैदरी शान सिद्दीक अकबर शान सिद्दीक अकबर शान सिद्दीक अकबर शान सिद्दीक अकबर तुसी मेरी तकरीर सुनो उची सुभान अल्लाह उची इहदा मतलब है जिन्हों साई ठल्लण उन्हों कोई भौंके तो बंदे आंदे ने शरारती है तैयार हो तो जिन्हों ठलन मेरे नबी हो जिन्हों ठलिया नबी हो अली नहीं मनी नबी दी आंदा जी मनी है मैं क्या सोना है चौदह सदियां बाद आके तू बकवास करना है हजरत मौला अली हैदर करार शेर खुदा असदुल्ला फारिक बाबल आप पे पुत्र हसन करीमन तैयबन ताहिरन नयरन कमरन सिराजन मुनीरन शमसन इमाम हसन हुसैन पीछे आंदे सन पीछे से इमाम दे अल्लाह अकबर सेने च रखो अबू बकर आम नहीं अली दा इमाम है अबू बकर आम नहीं हसन दा इमाम है अबू बकर आम नहीं हुसैन एक हदीस मैं हदीस सुनाना मेरे नबी आखा जिन्हें महीनों ईमान दी अखा वेख्या वो भी जन्नती जिन्हें ईमान दी अखा फिर बोलो जिन्हें ईमान दी अखा मेरे नबी नु वेख्या सही आंदे ने जिन्हें ईमान दी अखा मैनू वेख्या वो भी जन्नती चा साहब तो बोले जिन्हें ईमान दी अखा मेरे अबू बकर नु वेख्या वैसे इस हदीस से पांच सात बंदे नहीं बोले मैं दूसरी सुना देना चलो दे लो वे तो बोलिया जे कौन अबू बकर सरकार ने मिराज दी रात जो तो मैं मिराज के गया पहला आसमान दूजा आसमान तीजा आसमान चौथा आसमान पंजवा आसमान छठा आसमान सतवा आसमान जन्नत सिदरतुल मुंतहा अर्श मौला हजूर आंदे सन जिथे मेरा नाम लिखे अबू बकर का भी नाम ना लिख अजे भी थोड़ी सुनिया नहीं सुभान अल्लाह नहीं तो मैं तीसरी हदीस सुनान लग्या जी हुण तुसी मेरे ते तरस कर जाए सुनावा फरमा हो अभी बकर व शुक्र हो वाजिब अला कुल उम्मती फरमा मेरे अबू बकर दा शुक्रिया अदा करना मेरे अबू बकर दी मोहब्बत मेरी उम्मत ते वाजिब है उम्मती ओ होएगा जेड़ा मेरे अबू बकर नाल प्यार करेगा अजे भी तीन बंदे ने जेड़े आंदे ने मौलवी असीं नहीं बोलना मैं चौथी हदीस सुना दिया चलो जी तुसी चलो मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ने मैनू अपने नूर नाल बनाया तुसी बोलना है अल्लाह ने मैनू अपने नूर नाल बनाया पर अबू बकर नू अल्लाह ने मेरे नूर नाल बनाया है आज तुहानू समझ ते मैं पंजवीं हदीस सुना देना जो समझ आ गई आप यूटर्न ले लेंगे पंजवीं हदीस सुना देना मेरे नबी ताजदारे दो जहां मौला अली नू जान दियो मौला अली चलो काजी याद मार एक ने अनस बिन मालिक एक बुजुर्ग मालिक बिन अनस उन्होंने वाले ने एक गल लिखी सुनावो गल की फरमा मोमिन मुनाफिक लभना हो ना लाओ हैदरे करार दा समझ नहीं आई तो मैं की करा फरमाया मोमिन मुनाफिक लभना होवे ते ना लाओ हैदरे करार दा तीन बारी बोलन लग्या मोमिन मुनाफिक लभना होवे ते ना लाओ हैदरे करार दा चार बारी बोलन लग्या मोमिन मुनाफिक लभना होवे ते ना लाओ हैदरे करार दा अच्छा जी ते मोमिन ते काफिर लभना होवे फरमाया ना लाओ यारे गार दा चलो मौला अली मौला अली उची बोलो मौला अली आर उची बोलो मौला अली आर सीने दा जोर ला के मौला अली आ मेरे कौन अली सहाबा दा मशीर अली कौन अली मेरे नबी दा वीर अली कौन अली सुनिया दा पीर अली मौला अली पाक दे कोल गए हजूर अबू बकर कौन है फरमाया मावली दा फिल इस्लाम है मौलूदुन असका वाला अथर वाल अफसर मैं नबी बकर सिद्दीक आपके फरमान फतावा है रसूल अल्लाह
ਰਿਵਾਇਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਲੋਕੋ ਅਬੂ ਬਕਰ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਨਬੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ जे सुनया ना हो तो मैं बहरा हो जावा लोग आख्या सुनया की है पर मैं अपने नबी दे कोल छा हजूर आख्या मां बोली दा फिर इस्लाम है मौलूद और अस्का अज तक नबियां दे रसूलों तो बाद इस्लाम दे दामन विच ऐसा बच्चा पैदा नहीं होया जेड़ा मेरे अबू बकर तो अफसल होवे अबू बकर तो अजहर होवे अबू बकर तो अथर होवे अली आ मेरे मैं आदे नबी कोलों सुनया इन्हां कन्नां नाल सुनया नबियां रसूलों तो बाद सब तो अफसल अबू बकर है हदीस नंबर छे तुझे कोई नहीं बोले चलो मैं फिर सुना देना मौला अली हैदर करार शेर खुदा दा फिर दरवाजा खड़काया मैं कहनी मैं तुहाडे दर दा गुलाम आ ते लोग बड़ियां गल्लां करदे ने ते दसो अबू बकर कौन है फरमाया सुन लो मौला अली फरमान ला युफत्तिलुनी अहदुन आला अभी पक इल्ला वक्त अनकारा हकी वाका साहब रसूल सल्लम फरमाया जेड़ा मैनू अली ते फजीलत जेड़ा मैनू अबू बकर ते फजीलत देवे मौला अली आंदे ने जेड़ा बंदा मैनू अबू बकर ते फजीलत देवे वो मेरा कुछ नहीं लगता वो मेरा कुछ सुनिया दा मजमा ते फिर ढिल्ला मैं फिर आना अकीदा मैं तुहाडा सुणाउंदा पिया यार फरमाया ला युफद्दलुनी अहदुर अला अबी बकर इल्ला वक्त अनकर हकी फरमाया जिस बंदे ने मेरे मैनू फजीलत दित्ती अबू बकर ते ओ मेरा कुछ नहीं लगता उन्हें मेरे ते मेरे सहाबा दा इनकार करा फरमाया अबू अली नूं चंगा ओ ही लगदा जिदे दिल विच अबू बकर दा प्यार है हदीस नंबर 7 तुहाडी हो गई जी फिर जी आए जी आए चलो जी अगली सुन लो हजरत मौला अली दे कोल एक बंदा आया वो आंदा जी मैं नहीं मानदा की मानना तू उन्हें कहा जी मैं अबू बकर नू नहीं उमर नू नहीं बस तुहानू समझ आ रही पारी की है ना उन्हें कहा जी बस तुहानू मानना की मानना अली दा पहला नंबर ये लफ्ज ना हुण मैं तकरीर करनी छड्ड देंगा वखा के जासा मैं मानना अंत खैरुन नास बस तुसी हो सब तो बेहतर है मैं मानना अली का पहला नंबर हजरत अली फिर जी गल की गल बड़ी मजेदार पर मैं कि आना उन्हें कहा जी मैं सिर्फ तुहानू मानना ते तुसी बेहतर हो पर मैं फकाल हल राई तरह सुन ओए तू हजूर नू वेखे ही अच्छा सवाल की सी जवाब की मिले उन्हें कहा जी मैं ही तुहानू अफसल मानना ते मौला अली पाक जवाब की देंदे ने तू हजूर नू वेखे उन्हें जवाब दिता काला ला काला मैं तो नहीं वेख्या फिर मैं अच्छा तू नहीं वेख्या अमा राइता अब बकर क्या तू अबू बकर नू वेख्या आयो जी आयो जी आयो जी अंदर जी मैं तो अबू बकर नू भी नहीं वेख्या आपने फरमाया चवले वेख्या भी नहीं तो मानता भी नहीं अबू बकर नू वेख्या हां जी मैंने वेख्या फरमाया फमा राइता हूं क्या तू मेरे उम्र नू वेख्या उन्हें कहा जी मैं उम्र नू नहीं वेख्या हुण तुहानू गल दी समझ आ गई बंदे ने आके आख्या मौला अली ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਉਮਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਾਲ ਅੱਲਾ ਕਾਲ ਆਈ ਨੇ ਆਖਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਮਾ ਇਨਕ ਲਾ ਕੁਲਤਾ ਇਨਕ ਰਾਇਤੁਨ ਨਬੀ ਸੱਲਮ ਲਕਤਲ ਤੁਕਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਅਲੀ ਤੇਰੇ ਟੋਟੇ ਕਰਦਾ ਕਤਲ अठवीं गल सुना दे जिले क्यों मेरा नाम अठवीं गल सुना जे सुभान अल्लाह नहीं नहीं एक दूजे ले वेख के सुभान अल्लाह आख्या जे आख्या जे ओ ओए उची ओए या हजरत मौला अली फिर गल मौला अली दे बूए तू मैं कह चवले तू हैदरी नहीं असी हैं हैदरी हजरत अमीरुल मोमिनीन मौला अली
یہ سوال ہویا بھی رسول اللہ تو بعد افضل کون ہے؟ آپ نے کی جواب ہے فرمایا مہر یا ابا جحیفہ تھا اللہ اخبر قائب خیر الناس بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر یا ابا جحیفہ تھا لا یجمع حبی و بغض ابی بکر و عمر حضرت مولا علی حیدر کرار شیر خدا نے فرمایا سن ابا جحیفہ سن ابو جحیفہ سنو بابا جی کی حکم ہے فرمایا رسول اللہ تو بعد سب تو افضل ابو بکر ہے اگلی گل جڑی کیتی اس وادی گل جے فرمایا سن لے کسے منافق دے دل وچ میرا بغض ابو بکر دی محبت کٹھی نہیں ہو سکدی فرمایا مومن سینہ ہوئے گا جیہدے وچ یار غار دا بھی پیار ہوئے گا حیدر کرار دا بھی پیار نومی گل سنانا جی نومی گل سنا دیئے اوئے سنیو اچھی اوئے اچھی اوئے اچھی اوئے اچھی سن لو جی نومی گل حضرت زین العابدین اے نہ ہی ڈڈا ڈڈا بندے دا جڑا بولے اللہ او دا دل پاک کر دیندا ہے امام زین العابدین میں پھر آنا امام زین العابدین اے کڈا وڈا جنا ہے تانوں پتہ ہے اے دے بابے دا نام حسین ہے امام سجاد جا رہا سن زین العابدین جا رہا سن ایک بندے آپ نوں گالاں کڈ دی آپ دے نال آپ دا مرید سی اونے ہتھے تلوار کیتی انہوں نے کہا تم میرے سائیاں نوں گالاں کڈے امام زین العابدین جدوں دے ہتھے تلوار ویکھی پر میں پیچھے کر گالاں تینوں کڈیاں کہ مینوں ہائے 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 پیچھے کر انہیں تلوار پیچھے کیتی اے گالاں کڈی جا رہا امام صاحب کر گئے لیاں دودھ نال لیاں دیا کھجوراں فرمایا دودھ بھی پی کھجوراں بھی کھا جدو او گالاں کڈدا ہے آپ نے دودھ پی او گالاں کڈدا ہے آپ نے دودھ پی او گالاں کڈدا ہے تمہیں سمجھ نہیں لگی میں کی کراں میں کی کراں میں کی کراں دسو او گالاں کڈدا ہے آپ نے دودھ پی او گالاں کڈدا ہے آپ نے کھجوراں کھا مرید پیراں چ آ گیا انہیں کہا حضور گالاں کڈدا ہے تسی دودھ یہ گانا کٹتا ہے تسی کھجوراں امام سجاد دے جملے ایویں دے نے جے سنی ہم مجمع بیٹھا ہے تے ہاتھ تھلے نہ رون گل سن لو فرمایا کی آنا ہے انہوں نے کہا دور میں نو وڈو سن تسی مینوں روک دتا یہ تہانوں گانا کٹتا ہے تسی کھجوراں کھلاندے ہو یہ گانا کٹتا ہے تسی دودھ پلاندے ہو حضرت امام سجاد نے جڑی گل کی تھی میں تہاڈا مہمان ہاں قتل نہ کریا جے وہ آندا حضور یہ گانا کٹتا ہے تسی دودھ پلاندے ہو یہ گانا کٹتا ہے تسی کھجوراں کھلاندے ہو فرمایا سن انہیں گال کٹ کے آدھی ماں دا پتہ دسیا ہے میں خدمت کر گیا میری اما کا نام زہرا ہے آئے اچھی آ سنیا اچھی 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 پر میں انہیں گالا کٹ کے آدھی ماں کا پتا دسیا ہے میں دی خدمت کر کے آدھی ماں کا پتا حضور مہربانی کرو ابو بکر کون ہے ہن آپ نے جڑی گل کی تھی میں سنا دیاں چلو آپ نے فرمایا قال اجمع بنو فاطمہ رضی اللہ تعالی الا ان یقول فی الشیخین احسن ما یکون من القول بند ہو گیا امام زین العابدین آپ نے ساری اولاد فاطمہ دا اس گل تے اتفاق ہے ساری اولاد فاطمہ دا اس گل تے اتفاق ہے میں تین باری بولنا ساری اولاد فاطمہ دا اس گل دے اتے اتفاق ہے حضور کیڑی گل ہے ابو بکر دا جدوں بھی نہ لو چنگے لفظاں نال نہ لیا کرو ہن بندہ پوچھے بھی جعفری اسی ہاں کہ توں تسی خاموش ہو تے میں اگے بھی تھوڑا چلدا اگلی حدیث پھر سنا دینا صدیق اکبر اصدق الصادقین سید المتقین امیر المؤمنین جانشین مصطفیٰ مزاج شناس آئے نبوت اوہ کون ابو بکر جڑا آج بھی میرے نبی دے نال نال حضرت صدیق اکبر سن لو گل اتنی ڈاڑی تو مزہ آئے گا فرمایا اللہ نے مینوں تے ابو بکر نو ایک ہی نورانی مٹی نال بنایا نہیں تسی سبحان اللہ نہیں کہنی اگلی فرمایا ابو بکر عام نہیں ہے موسیٰ جیسے جلیل القدر نبی ہاتھ اٹھا کے آندے سن اللہ ابو بکر مینوں دے دے
जी जी कौन समझेगा ये लज्जत तुसी उदो ही आंदे हो जदों मौलवी हलाक हो जाए पर अज ओ वेला कोई नहीं तुसी मेरे हल वेखो हजरत जनाबे हजरत मूसा जैसे जलीलुल कदर नबी दुआ करके आंदे सन अल्लाह अबू बकर मैनू दे दे अल्लाह अबू बकर मैनू दे दे अल्लाह अबू बकर मैनू दे दे आवाज आई नहीं मूसा ए ने दो तोहफे तैनू नहीं याद है यार मुस्तफा नु देने कौन अबू बकर आखो थे एक हदीस सारे नु मैं ना डाल के बोलिया जे सुभान अल्लाह एक हदीस और सुनावा नहीं या अल्लाह जेड़ा ऊंची बोले ओदा मुकद्दर ऊंचा कर दे या अल्लाह जेड़ा ऊंची बोले ओदा मुकद्दर ऊंचा कर दे मैं फेर आना या अल्लाह जेड़ा ऊंची बोले ओदा मुकद्दर ऊंचा कर दे सुन लो जी अगली गल सुना दे मेरे नबी फरमाए लोको जिन्ना मजा आए बोलिया जे जिन्ने मेरा इब्राहिम दा सीना वेखना होवे जिन्ने मेरे इब्राहिम दा मेरे दादा इब्राहिम अली सलाम दा सीना वेखना होवे 4000 नबी जिन्ना दी पुष्टि चवाए पर मैं मोहम्मद दे दादा जी हजरत इब्राहिम दा सीना जिन्ने वेखना होवे जे सुन्नी मजमा ते दाद देना तुहाडा हक बणदा है पर मैं जिन्ने मेरे इब्राहिम दादे दा सीना वेखना होवे या रसूलल्लाह करे की पर मैं मेरे यार अबू बकर दा सीना वेखे आखो ते एक गल हजरत वैसे सुभान अल्लाह कहन नाल मैं खुश हुंदा जे ऊंची सुभान अल्लाह ऊंची किथे गए मेरा आज तक गए जदो दूर वापस आए ते सरकार फरमाए जबरील जो कुछ मैं वेख्या मगर लिया तो मनना ही नहीं अबू लाभ जा चबल उथे अबू जाल दिया झूठा उथे उत्पा ते शैबा जा कमीने उथे ते मैं सिदरतुल मुंतहा अर्शे मौला अपने रब दा दीदार कराया इस गल ते जे मजा ना आवे ते तोड़ा हक नहीं जे सुन्नी मां दे बच्चे हो ते फिर गल ते बोलया जे ताकि पता लगे असी लूले ते काने ते लंगड़े नहीं आ असी नबी दी हर निस्बत दा हया करन वाले आ मेरे नबी ने फरमाया अबू वकीया ना हजरत मेरे नबी ने फरमाया जबरील कौन मन्नेगा हजरत ते जबरील हाथ बन लै सोणिया एक है हाय 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 सोणिया एक है ओदा फरमाया कौन अबू बकर सोणिया जो कहंदे जोगे अबू बकर मनदा मेरे नबी खुश हुंदे ने पै जिहड़ा वाले विच सुन्नी बह के अज मेरे यार दे कसीदे पढ़दे ने ऊंची अगली उमर पाक नूं जानदे हो नहीं जानदे जानदे जे ओए जानो ओए जानो कौन उमर अल हक कोई अंत को ला लिसाने उमर अल शैतान ये फिर रो मिन दिल्ले उमर अल हक कोई अंत को ला लिसाने उमर अन अली यन काल मा कुन नुबैद अन सकीना त अंत को ला लिसाने उमर कौन उमर जेड़ा बोलदा भी हक है कौन उमर जेड़ा सोचदा भी हक है कहो मेरे लफ्जा ते गौर करो कौन उमर जिदे दिल ते भी हक है इस गल दी समझ नहीं आई कौन उमर जिदी शैतान नाल नहीं बणदी जिदी शैतान नाल नहीं बनती उमर ओए जिदी शैतान नाल नहीं बनती ओए उमर ओए जिदी शैतान नाल नहीं बनती ओए उमर ओए जिदी शैतान नाल नहीं बनती आओ तीन चार बंदे सुते पए ने अल्लाह करे हां उठो जी उठो उठो मैं तुहाडे कोल जाया एदा मतलब है उमर ओए जिदी शैतान नाल और उची बोलोगे तो मजा आएगा उमर ओए जिदी शैतान नाल जिस चौक चुमर होवे शैतान उथे नहीं जिस महल्ले चुमर होवे शैतान उथे नहीं जिस चौक गली चुमर होवे शैतान उथे नहीं जिस शहर चुमर होवे शैतान उथे नहीं जिस मस्जिद उमर होवे शैतान उथे नहीं आए जिस देले चुमर होवे गुसल फर्ज हो जाए की करे सौन लगे दिल ते उमर लिखे मैं हथ बन लै मैं सारे अकल
फरमाया जिन्हों रोजाना गंदे खाब आन या जिन्हों रोजाना गुसल फर्ज हो जाए करे की फरमाया दिल ते लिखे उमर दिल ते लिखे उमर दिल ते लिखे। अच्छा अगली गल एवें दी हो सुननी ते रह चुप इंज नहीं हो सकदा जे अकल ना होई ते समझ नहीं आउणी। जिन्हों रोजाना गंदे खाब आन मैं पिछे हो गया स्पीकर तो जिन्हों रोजाना गंदे खाब आन जिन्हों रोजाना गुसल फर्ज होवे करे की दिल ते लिखे या उमर और मैं लैणी जे दाद जेड़ा उमर सुतियां एडा कम आवे अल्लाह जाने जान मतलब है भी सुत्या जी उम्र का ना लिया जाए तो सुत्या चवल बंदा नेड़े आए जे सुत्या उम्र का ना लिया जाए तो शैतान नेड़े नहीं आता ते जाग दिया नारे लावे उम्र दे आए कसीदे पड़े उम्र दे नारे लावे उम्र दे शैतान नेड़े नहीं आए। बंदे वेना जी का हाथ नाल है ते थले चलो कौन उमर बिन खताब दसते हैं ये मेरा मौजूद नहीं मैं गल सदीक की कर लग्या ये आ गई बिच उमर पाक कलमा लिया पढ़ चढ़ काबे ते बिलाल अजान सुनाईए उमर दिया मते तब्दीली आई है। ये पता जाए पढ़िया पढ़िया पर मेनू स्वाद बड़ा आया चढ़ काबे ते बिलाल अजान सुनाईए उमर दिया मते तब्दीली आई है साहब मिले के नारा खुश मेरे आकाया जे उमरा साहब मिल के नारा लाया खुश मेरे आकाया जे उमराया आज खुशी दी लहर छाया आज खुशी दी लहर छाई है उमर दिया मते खातर अज मैं तलवार उठाई इस्लाम दी खातर अज मैं कौन उमर बिन खताब सरकार फरमाते हैं जिदे साए तो भी शैतान डरदा है इहदा मतलब है शैतान उमर दे नेड़े कदे आया शैतान उमर पाक मैं बड़ा वड्डा मसला करूँ शैतान उमर पाक दे नेड़े कदे आया ते जहरी गल है गुनाह तां हमेशा शैतान ही करवाउंदा है जेड़ा आया ही नहीं ओ बाजार दी पैदावार ओ मुश्तरका कौम दा बच्चा जेड़ा आंदा सिद्दीक अकबर और फारूक आजम बागे फदक खा गए डर फिटे मुई शैतान तो आया नहीं ओ रोंदी हुई माई उमर रुक गए अम्मा की होया ई उन्हें का तेल पी की जमीन फरमाया एड्डी वादू उमर पा गड्डी लाई फरमाया उठ तेल दे तेल आया दोबारा अम्मा पाया तेल ले गई घर जेड़ा उमर किसे दी बेटी दा इतना हया करे अल्लाह जाने मोहम्मद दी धी दा कितना हया करदा चलो मैं जुमला बदल दिया दे तेल दे तेल वापस आया माई तेल पाया जेड़ा उमर किसे दी धी दा हक नहीं खान देंदा उमर बिन खताब की अंदर ने गुलाफ काबा पकड़िया अल्लाह मैनू खताब दा बेटा ना बनांदा अल्लाह तू मैनू अमीर अल मोमिनीन ना बनांदा अल्लाह मैनू मुसलमाना दा हाकम ना बनांदा लोकां दीआं चीखां निकल गईआं उमर की गल कर रहे हैं
उमर पाक ने अल्लाह एक गल सुन के पूरी तकरीर का मजा एक पास यदा लुत्फ एक पास शान उमर बयान की शान सिद्दीक समझ आ जाए अल्लाह खिताब का बेटा न बना अल्लाह अमीर अल मोमिनीन न बना अल्लाह मैनू वजाहता सरदारियां न देता उमर दुआ करके रो के आने अल्लाह मैनू खिताब का बेटा न बना मैं उमर की चाहते अबू बकर दे सीने दे वाला चो एक बार सरकार फरमाते ने दबियां रसूलां तो बाद नबियां रसूलां तो बाद इन्हूं भी समझा जे अकल होवे जिन्ने अहले ईमान ने उन्हां दा ईमान एक पलड़े च रखा जाए मेरे अबू बकर दा ईमान दूजे पलड़े च रखा जाए अबू बकर दे ईमान वाला वजना पलड़ा भारी है समझ नहीं आई नबियां रसूलां तो बाद जितने अहले ईमान ने उन्हां दियां खूबियां मिजान दे पलड़े च रखियां जाण मेरे अबू बकर दी खूबी मिजान दे दूजे पलड़े च रखी जाए तुहानू नहीं समझ आई मेरे नबी फरमाया मेरे खिताब नू पता नहीं किन्ना टाइम हो गया हुण तक आपां दोवें घर इत्थे पहुंच चुके हां वी जिहड़ा नबी पाक दे नाल ए काफरां दी ओए उची बोलो उची बोलो उची बोलो 14 सदियां बाद तू कह सकता है वो फलाना नाल सी जी 14 सदियां बाद बंदे पहुंच सकते हैं भी फलाना साथ था फलाना साथ नहीं था उन्हें इतों फड़ के आके चवले जान दिए अबू बकर होए जेड़ा आज भी नाल है ते जेड़ा नाल है उनकी तेरे नाल नहीं बनती अबू बकर दी तेरे नाल है इदा मतलब कोई काफिर बंदा साहबा दा हया कर नहीं सकता ते नबी दे बच्चे बेमिसाले ओ घर अली दा बेमिसाले पांच बारी तुसी ये पढ़ना है बेमिसाले घर अली दा बेमिसाले मैं दुआ कर इन्ने उलमा च बह के दुआ करना अल्लाह जेड़ा तेरे नबी दे घर नूं उच्चा कवे तू ओदे घर नूं उच्चा कर दे बेमिसाले खरे अलीदा बेमिसाल जोर ला के बेमिसाल आ खरे अलीदा दर अलीदा मेरे नबी फरमा मन अहब्बनी व अहब्बा हाज़ैनी व अहब्बा अबाहुमा व उम्मुहुमा कान मईया फी दार बस मैं 5-7 हदीस पढूं फरमा मन अहब्बनी व अहब्बा हाज़ैनी व अहब्बा अबाहुमा व उम्मुहुमा कान मईया फी दरजात यौमिल कियामा फरमाया जिन्हें दुनिया च रह के मेरे अली नाल मेरी ज़हरा नाल मेरे हसन नाल तुहाडे ध्यान दा मैं पता करना है जिन्हें दुनिया च रह के मेरे अली नाल मेरी ज़हरा नाल मेरे हसन नाल मेरे हुसैन नाल प्यार कीता कल क़यामत वाले दिन जन्नत च उत्थे ही होएगा जिथे मैं बेमिसाले
ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਬੇਮਿਸਾਲੇ मेरे नाल प्यार ना करे उस वेले तक कोई मुसलमान नहीं हो सकता जदों तक आदे घर वाले तो बद के मेरे घर वाले प्यार ना करे उस वेले तक कामिल मोमिन बंदा नहीं हो सकता जदों तक आदे पुत्रा तो बद के अली दे पुत्रा नाल प्यार ना करे होली जी गल करा मेरे नबी फरमाया मोमिन वही होएगा जिहड़ा आदे पुत्रा तो बद के मेरे हसन नाल भी प्यार करेगा मेरे हुसैन बेमिसाले गरे अली दा पढ़ देना चलो तुहाडा सारेयां दा मूड बन जाएगा ताजदारे दो जहां कौन मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हुब्बु आले मुहम्मदन यौमन खैरुम मिन इबादत सनतन हुब्बु आले मुहम्मदन यौमन खैरुम मिन इबादत सनतन मेरे नबी फरमाया जिस बंदे ने एक दिन रल के मेरे पुत्रां दा जिक्र कीता मेरे पुत्रां दी मुहब्बत रखी मेरे पुत्रां नाल मुहब्बत करदा रहा जिन्ने एक दिन मेरे पुत्रां नाल प्यार कीता जिन्ने एक दिन मेरे पुत्रां दा जिक्र कीता होएगा की अल्लाह एक साल दी इबादत दा सवाब मैं अगली हदीस पढ़ सकना फिर आज चौके चौके करी सुभान अल्लाह का और रल के फिर चलो जी अगली हदीस सुन लो नबी रहमत ताजदारे कौन मकां सल्लल्लाहु अला नबी ना फरमाया साहबा जेड़ा बंदा रल के अली दे पुत्रां दा जिक्र करे रल के अली दे पुत्रां दा जिक्र करे रल नहीं तुसी जानदे नहीं जे इन्हां नूं ये बोलदे नहीं जे मैं फिर आना जेड़ा रल के अली दे पुत्रां दा जिक्र करे अल्लामा असगर साहब बैठे ने हवाला ना होवे मेरे को ते मैं मुजरम जी होवे ते बोलिया जे फरमाया जेड़ा रल के बह के अली दे पुत्रां दा जिक्र करे अल्लाह उहदे अगले पिछले गुनाह माफ कर देंदा है जेड़ा रल के बह के अली दे पुत्रां दा जिक्र सुने अल्लाह ऐसे फरिश्ते पैदा करदा है जेड़ा कयामत तक उहनां वास्ते दुआ करदे रहिंदे मैं एक हदीस और सुना देना फिर आंदे जिते चलो जी शम्मत साहब एक तुहाडे मुंह होर सुना देना नबी रहमत ताजदारे कौन मका फखर मुरसला सैयद सरवरां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मेरे नबी फरमाया सहाबा सहाबा मेरे अल वेख्या जे मन सल्ला सलातन लम युसल्ली फीहा अल जवाल अहले बैत फरमाया जब तक नमाज अंदर मेरे पुत्रां ते दरूद ना पढ़िया जाए दाढ़ी लम्मी रखी होवे टोपी होवे टेंड कीती होवे हज कीती होवे भार आयो होवे मैं फिर चलो समझा देना फरमाया जिन्हें दुनिया च रह के फरमाया जिन्हें दुनिया च रह के नमाज पढ़ी ते नमाज च अली दे पुत्रां दा दरूद ना पढ़िया अल्लाह दी बारगाह च नमाज कबूल नहीं होएगी नमाज कोई कबूल होएगी जिस नमाज ते आले मोहम्मद दे दरूद पढ़िया जाए जे आखो ते अगे भी पढ़ लईए फिर चलो कोई मसला नहीं मैं एक और सुना देना फरमाया हजरत इमाम शाफी जा डाडा बंदे अंदर या अल बैत रसूल अल्लाह हुक्कुम फर्दुम मिन अल्लाह फिल कुरान अनजलहु यकफीकुम मिन अजीम अल कद्र अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहु फरमाया लोगो जमे नमाज फर्ज है लोगो जमे नमाज फर्ज है लोगो जमे मेरे अल वेखना है लोगो जमे नमाज फर्ज है जमे रोजा फर्ज है जमे हज फर्ज है जमे zakat फर्ज है एवे हसन दी मोहब्बत भी फर्ज है हुसैन दी मोहब्बत भी आसिफ साहब तुसी वेंदे नहीं पैरे एक चलो हदीस मैं तुहाडे मुंह नूं सुना देना चलो नबी पाक ताजदारे कौन मकान बाजी गल अपनी मुक गई ताजदारे कौन मकान फखरे मुरसला सैयद सरवाना दे साहबी उसामा बिन जायद उसामा बिन जायद जानदे हो उसामा नूं उसामा बिन जायद दा नाम सुणिया इन्हां दी अम्मा दा नाम उम्मे अमन बाबे दा नाम जायद जायद कौन ने तुहानूं पता असते हकीम बिन अजाम खरीदया जो बच्चा विकदा वकांदा मेरे नबी दी आ गया कोल ते प्यो ते चाचा लभदे होए आ गए ते नबी पाक नु आख्या ने यार सुल्ला साडा पुत्र गवाचया ते विकदा वकांदा आ गया तुहाडे कोल ते बच्चा दे दियो सानू जिन्ने पैसे लैणे जे लै लो ए बच्चा साडा है ते सानू दे दियो शाह जी बस बह जाओ ए बच्चा साडा है ते सानू दे दियो क्यों यार सुल्ला साडा पुत्र है ते जिन्ने पैसे लैणे जे लै लो ते बच्चा सानू दे दियो जे पूरी स्वाद ना दिल नू आवे ते बोलिया जे ना बोलिया जे जे होवे ते बोलिया जे या रसूल अल्लाह की मेरे नबी फरमा की आंदे हो या रसूल अल्लाह साडा पुत्र है जैद ते वेखदा वकाउंदा आ गया तुहाडे कोल ते साडा बच्चा सानू दे दियो जिन्ने पैसे लैणे जे लै लो मेरे नबी आख्या पैसे रखो आदे कोल
यार चुल्ला फिर किवें देंदे जे हजूर आख्या मैं सदना जैद नू मैं सदना जैद नू मैं सदना जैद नू मैं सदना जैद नू मैं तुहानू समझ नहीं पिया मैं की आना मैं सदना जैद नू जे आपे जावे ते लै जा ਉਹਨਾਂ ਕਾ ਯਾਰ ਸੁਲਾ ਐਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਜਾਵੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਆਖਿਆ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਓ ਪਿਓ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਚਾਚਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਦੋ ਜ਼ੈਦ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਸਦੋ ਮੇਰੇ ਜ਼ੈਦ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੈਦ ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਜ਼ੈਦ ਆ ਤੇਰਾ ਪਾਪਾ ਆਇਆ ਜ਼ੈਦ ਆ ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਚਾਚਾ ਤੇ ਆਇਆ ਬਾਪ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ ਜ਼ੈਦ ਦੇ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ ਰੋਣ ਲੱਗ ਕੇ ਆਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ओ जेड़े मारे ने तेरे नैना दे जेड़े मारे ने तेरे ओ नैना दे जेड़े मारे ने तेरे ओ नैना दे जेड़े मारे तानू की पता मैं की प्याना पुछो मेरे गाजी को जिदा आखिरी वक्त है पांच मिनट पहले फंदा चमके पाया पुलिस वाले आंदे ने गाजी जी अजे पांच मिनट बाकी रह गए पर मैं पीछे हट जाओ सामने हजूर आए ने जेड़े मारे ने तेरे नैना दे जेड़े मारे पढ़ दोगे तो मेहरबानी जेड़े मारे सच आखा खां सच आखा ते रबनी मैं जाना खा जिस शान और सुबह तुहानू हुण पता नहीं तबीयत किस पासे चले गई सुबह ਸੋਹਣਿਆ ਵੇਖੋ ਅੱਜ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਨ ਤੇ ਓਏ ਨੈਣਾ किस कौम च गल कर रहे समझो वो प्यो चुकया पुत्र कदे सीने ओ मेरे अल वेख ओ मेरे लाडले और तेरे तो बगैर मैनू नींद नहीं आती जैद फिर भी नहीं वेख्या चलो तुम इस गल के लुत्फ फिर जाओ वो पुत्र बाप सी कदे पुत्र दे हाथ चो मिले आंदा पुत्र तेरी मां रो रो बुढ़ी हो गई पुत्र तू मिलया नहीं तेरिया भैन बुढ़िया हो गई पुत्र मेरे अल वेख जैद फिर भी नहीं वेख्या मेरे नबी फरमाया गल ठीक है भी जे ले जाना जे तो लै जाओ पर एक शरत है कि आपे जावे तो लै जाओ उन्हें कहा यार सुला पुत्र साढ़ा तेवे ना जाएगा हजूरा का ट्राई कर लो भी ट्राई कर लो वो प्यो नेड़े आया हूँ उन्हें जिहड़ा जुमला बोलिया मैं बोल दिया इवें दी सुभान अल्लाह नहीं अजे भी चार पांच बंदे आंदे ने चावल लेट रहे इंज नहीं करीदा उच्ची सुभान अल्लाह जरा उची बोले अल्लाह का मुकद्दर उचा कर दे उची जद प्यो आ गया नेड़े उन्होंने पुत्र नाल एक गल की उन्होंने कहा पुत्र आ गया मैं तेरा प्यो हां कमला हो गया मेरे अल वेख ता सही पुत्र वेख ता सही वेख मेरी अखियां लाल हो गई पुत्र वेख मैं टुर टुर पैर जख्मी हो गया तेनू लभ दिया पर जिन्हें वेख्या साडे साइयां नू होवे जिन्हें वेख्या मेरे रसूल नू होवे फिर वो दर दर वेखे जैद वेख हुण बाप एक गल कीती साहिब बेज़ौक लोग उन्हें कहा पुत्र कमला हो गया इत्थे तू मां नहीं उत्थे मां है इत्थे प्यो नहीं उत्थे प्यो है ये तेरा पिंड नहीं वह तेरा पिंड है ये तेरा देश नहीं वह तेरा देश है ये तेरा वतन नहीं वो तेरा वतन है मौके मेरी तकलीर बेटा इत तू गुलाम है चल मेरे नाल उठे अजाब है और जैद ने अखा चुकियां प्यो दे वल चौकिया के बाबा सुन ले तेरे घर दी आजादी ना रहा मेरे मोहम्मद दे दर दे गुलाम नहीं से ये जैद इन्हां दा बेटा उसामा आप बंदे ने मैं नबी पाक दे कोल आया उसामा पाक कहंदे ने मैं हजूर दे मैं वे क्या हजूर उत्ते चादर लई चादर मेरे नाल वेंदे पर आखरी तकरीर दे लफ्ज़ नहीं चादर लई ते मैं किसे काम नाल हाजत नाल आया हाजत हो गई पूरी ते मैनु शक पिया जिवें चादर विच कुछ है हाय 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 ते मैं पुछ ही लिया सोहणिया चादर विच की है मेरे नाल वेख्या जे मेरे नाल वेख्या जे वेख्या जे तुहानू खुदा दा ना सोहणिया तुहाडी चादर विच की है नबी इंज पल्लू चुक के आख्या आ मेरा हसन है नहीं दूजा चुक के आख्या आ मेरा हुण मैं बंदियां दा करंट चेक करना करंट इमाम दा भी तक करंट हुंदा करे मेरे नबी आख्या सैयद ऐ उसामा है मेरा हसन है आ मेरा हुसैन है या सुला फिर फरमाया जिहड़ा दुनिया च रह के इहनां नाल प्यार करेगा रब ओहदे नाल प्यार करेगा चूड़ियां नाल नवाबां दा जोड़ नहीं चूड़ा
ਚੂੜਾ ਚੂੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈਦੀ ਉਹ 10 ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਚੂੜੇ ਨੇ ਉਹ 100 ਘਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਤ ਦਾ ਗੱਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਚੂੜਾ ਹੈ पुत्र वसदे ने इस गल तो पता लगेगा मेरे नबी फरमाए अल्लाह जब किसी बंदे पे भलाई का अरादा करता है अल्लाह जब किसी बंदे पे कर्म बरसाना चाहता है अल्लाह जब किसी बंदे पे रहमत बरसाना चाहता है तो पंजाबी दसना अल्लाह जदों किसी बंदे नो अपना बनाना चाहता है पहले उदे दिल में नबी दे पुत्र हुसैन दी मोहब्बत पैदा कर दे गरीब बंदा काम करता सी उदे कोल आ गया एक मर्जई कौन आ गया तीन मिनट च गल मुक जानी चस नू चस आएंगे असगर साहब मर्जई आ गया उदे कोल लोहार नू आ गए ना काम करके किन्ने पैसे 100 रुपया उन्हें कहीं 200 लाए वो लोहार गरीब जरूर सी बेगैरत नहीं सी ओए मैं आदे आप नुआना वैस मुर्तजा नूरी करी फिरक है ओए बंदे उस रिजक से मौत अच्छी जिस रिजक से आती हो परवाज में कोता ही फिर प्याना वो जिड़ा सीना लोहार वो गरीब जरूर सी बेगैरत नहीं सी उन्हें सोचा भी काम था मैं कीता 100 दा ये चवल मैंने 200 देता पे हाँ भी की गल काम करा के ना तो मर्जा ही नेड़े आ गया मेरे साथ मारा नबी है लोहार ने आखा भी चंडी घर था चल हुण दोबारा भौंकना वो दूजा दिन फिर हो गया वो मर्जा ही यार क्यों मुड़ आ गया आके मुड़ दोबार नूं आंदे ने तू वेख अपने कट्ठे पिंड च रहने साडा मिर्जा नबी है उन्हें कहा तेन मैं कल की आख्या छोटी नबी साडा नबी है किड्डा माण सी आदे मालकां ते फिर आना उन्हें कहा हूँ तेन मैं आंदा प्या चले जा गरीब हाँ बेगैरत नहीं हाँ तो दोबारा ना आवी तो जाती कर तू जानता नहीं है साढ़े व्डिया चो जमाने च लोगों इल्मुद्दीन भी वेख्या अब्दुल रहमान भी वेख्या नहीं मैं तशरीह करनी है कल का मौजू ए अवैस दूरी को बड़ा मवाद है अलहमदुल्ला फिर सही अच्छा तीजा दिन फिर हो गया मरजई मुड़ चिट्टे कपड़े पाए वाला चौधरी बन के फिर आ गया वो जो आ गया ना फिर आके उन्हें कहा जी मिर्जा हमारा नबी है उन्हें कहा इतने बह मैं आना वो बाहर गया तो बाहर ली जा कुंडी दी ला नहीं नहीं मैं खलो के बंदे वेखू मैं वो बाहर गया तो कुंडी उन्हें दी वापस आ गया हूँ कहो जी हूँ कहो अल्लाह मासगर साहब उन्हें फिर कहता उन्हें कहा जी मिर्जा हमारा देखो नबी है ना उन्हें कुहाड़ा हाथ से लिया फड़ तो कर लिया लम्मा ते जा आया ना कुहाड़ा कसम साहब ओदे इत्थे मरजई दे थलो तो इंज उन्हें कहा उड़दा सर आंदा बड़ा चवल है जा कुहाड़ा आया इत्थे इत्थे कुहाड़ा आया उन्हें कहा हुण पौंक ओ आंदा जांदी कर ओ बड़ी झूठ है जांदी कर ओ बड़ी चवल है जांदी कर ओ बड़ा गलत बंदा है उन्हें कहा वेख लै दोबारा खड़ा करके आंदा कुहाड़ा फड़ तू लम्मा पैना मैं
تارے ختم نبوت زندہ باد تاج تارے ختم نبوت زندہ باد تاج تارے ختم نبوت زندہ باد تاج تارے ختم نبوت زندہ باد کرو واڑا پھڑ کواڑا پھڑ توں تے لمما پینا نبی دا عاشق پے گیا لمما نبی دا عاشق پے گیا تے مرزائی نو نے آکھیا کنڈی اجے بھی لگی ائی آ چل اے کھڑا ہو جے کھڑا ہویا نبی دے عاشق دے ایتھے آیا اونے کہ ایتھے رکھ کے پوچھ جے میں پوچھیا سی آدا تہاڈا نبی کون اے اے تھلواں دا جاندا نہیں سب سے اللہ اعلی ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اے رسول سے اعلی ہم جان لٹا دیں گے خود کا مٹا دیں او جڑے چوڑے تھے نے ساتھ اٹھو بھی سنن تے اٹھ پین ہویا کی ان کا سننے آندے نے خود کا لٹا خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے خود کو مٹا دیں گے اعلی حضرت کو پوچھ لینے آ زمین و زمان تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے ارے اٹھے بھی وہاں خود کو مٹا دیں گے مسلمان ماں دا دودھ پیتا چکو نا داد مولوی واسطے نہیں نبی واسطے خود کو مٹا دیں گے آئے اسی امریکہ دے کٹ پلن والے کیڑیاں نو دسنا چاہنے ہاں اسی فرانس دے کتیاں نو دسنا چاہنے ہاں آئے خادی کے سمے ساڈے چم دے بچے وی آندے نے خود کو پڑھو خود کو مٹا دیں گے یا رسول اللہ تواڈے غلام جامع مسجد وچ بیٹھ کے ہر روکے اندر سارا دے بابا گنہگار بدکارا بادا مالا پری کونیا خود کو ہم جان لٹا دیں گے خود کو مٹا دیں گے کہ خود کو مٹا ہاتھ لے نہیں ہونا خود کو مٹا گے ہم جان لٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے ارے نہیں دودھ ماں دا پیتا تو اچھی بولنا پھر ہم جان جان لٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے خود کو مٹا دیں گے یا رسول اللہ تواڈے غلام ساڈے ال ویکھیا جی اج تواڈے بیٹھ کے بچے تے بڈھے جوان آئے نے گناہ بڑے نے پر عشق ساڈا اے آندا ہے خود کو مسلم زندہ ہے آر نبی پہ مر کا جذبہ قلبی تھا
भी है खुद को मिटा दे गे खुद को मिटा देंगे गे खुद को मिटा देंगे गे खुद को मिटा देंगे नाम से आका पे कटा देंगे आप पानी पानी समझ आई है और नहीं आई तो आनो थले बह जो सारे फिर थले बह कुत्ते भी मर जाते ने रोज ते मार बंदे भी जाना है ते मुड़ बंदा बंदा बन के मरे ना की ख्याल है कुत्ते नहीं मरते कुत्ते रोज मरते पर बंदा मरे अल्लाह की कसम है मैं फिर कदे आया रात 2 बजे वाह प्रोग्राम हो वापस हटिया तो मैं आख्या इधर पुत्र आप रोज गाजी के नारे लाने चलिए तो सही वो जेडे बंदे गए उन्होंने पता है करीब कोई बहुत ज्यादा आबादी नहीं वो रात 3 बजे का टाइम जो 3 बजे का टाइम तो मैं वेख्या बहुत ज्यादा तादाद में लोग उत्थे मौजूद से वो मैं क्या वजह की है रात 3 बजे भी गाजी तेरे गाजी तेरे जानिसार गाजी तेरे जानिसार गाजी तेरे जानिसार गाजी तेरे जानिसार गाजी रात 3 बजे भी तेरे दरबार ते नहीं लेना हूँ मैंने आवाज आई मौलवी तेनू पता नहीं मैं बेलज्जा नहीं मरिया मैं उस लजपाल के ना तो जिंदड़ी गुजारी है जिन्हों के बूहे बिलाल भी आवे तो काबे के चाते चढ़ ही जाता है फिर अल्लाह पाक सानू नबी दे साहबा हजूर दी अहले बैत अजवाजे रसूल बनाते रसूल दा हया नसीब फरमाए मेरी तबीयत इंतहाई डिस्टर्ब हो गई इस टाइम मैं बहुत मुश्किल नाल तुहाडे नाल कलाम कर रहा तो मैनों छुट्टी बड़े बाइज़त तरीके नाल तुसीं मैनूं जान दिओगे इस वास्ते सलाम होएगा दुआ होएगी मैनों हुणे छुट्टी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।